हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आज के थंबनेल से ही आपको पता लग गया होगा कि आज मैं आपको ओप्पो के लेटेस्ट फ़ोन के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो ओप्पो के एफ सीरीज का फ़ोन है, F21 Pro। इस सीरीज़ में आपको दो फ़ोन प्रोवाइड होंगे। फर्स्ट वन है F21 Pro 4G और सेकेंड है F21 Pro 5G। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो गाइस, ये इंडस्ट्री का पहला फ़ोन है जिसमें आपको फाइबर ग्लास लेदर डिज़ाइन मिल रहा है। इसमें आपको बहुत ही खूबसूरत कलर देखने को मिल रहा है। ये कलर है इसका सनसेट ऑरेंज कलर। सेकंड कलर इसमें आपको मिलेगा कॉस्मिक ब्लैक। साथ ही इसमें आपको मिल रही है ऑर्बिट लाइट, जो कि नोटिफिकेशन के साथ साथ माइक्रो लेंस कैमरे पर भी वर्क करेगी। 7.5 mm की इसकी थिकनेस है और इसमें आपको फ्लैट एज डिज़ाइन मिल रहा है। अब बात करते हैं इसके हम कैमरे की। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि ओप्पो कैमरे के मामले में हमेशा से ही आगे रहा है और सेल्फी का ट्रेंड भी ओप्पो के फ़ोन के साथ ही स्टार्ट हुआ है। तो इसमें आपको सेल्फी कैमरा मिल रहा है 32 मेगापिक्सल, जो कि सोनी IMX709 सेंसर के साथ मिल रहा है। बैक में इसमें आपको ट्रिपल कैमरा मिल रहा है। इसका मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी कैमरा इसका 2 मेगापिक्सल का है, जो कि पोर्ट्रेट मोड के लिए यूज होता है, और थर्ड कैमरा इसका 2 मेगापिक्सल का माइक्रोस्कोप लेंस के साथ मिल रहा है। ये कैमरे की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको माइक्रोस्कोप कैमरा मिल रहा है, जो कि 4 सेंटीमीटर की दूरी से भी वर्क करेगा। इसमें माइक्रोस्कोप लेंस के साथ आप बहुत ही क्लियर फोटो ले सकते हैं। इसका डेमो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको सबसे पहले ऑन करना है कैमरा और फिर कैमरे में आने के बाद आपको मोर पर जाना है। यहाँ पर आपको माइक्रोस्कोप लेंस जैसे ही आप ऑन करेंगे, यहाँ पर आप किसी भी चीज़ की छोटी से छोटी डिटेलिंग चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, एक एक चीज़ कितनी डिटेलिंग में इसमें आपको दिख रही है। इसके परफॉर्मेंस की, तो F21 Pro में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 680 का प्रोसेसर प्रोवाइड हो रहा है, जो कि 6 नैनोमीटर पर वर्क करता है। इस फ़ोन में आपको 8GB रैम मिल रही है और 128GB इसकी इंटरनल मेमोरी है। साथ ही इसमें आप 5GB रैम एक्सपेंड कर सकते हैं। रैम एक्सपेंशन कैसे करनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में। जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट डिवाइस। अबाउट डिवाइस में जाने के बाद आपको क्लिक करना है रैम पर, और यहाँ पर रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन है 2GB रैम, 3GB रैम और 5GB रैम। आपको जितनी भी रैम बढ़ाने का लग रहा है यूज़, आप उतनी रैम बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 4500 mAh की लार्ज बैटरी मिल रही है, जो कि 33 वोल्ट सुपर बुक चार्जर टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, F21 Pro में आपको एंड्रॉयड वर्जन 12 मिल रहा है और साथ ही इसमें आपको कलर ओएस वर्जन 12.1 मिल रहा है। कलर ओएस 12.1 में आपको काफ़ी सारे नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर कलर ओएस के फीचर की, आप इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा एंटी पीपिंग का। एंटी पीपिंग में क्या होता है, अगर आप अपने फ़ोन में किसी से चैटिंग कर रहे हैं और कोई अदर पर्सन आकर आपके फ़ोन में झांकने लगता है या देखने लगता है, तो वहां पर आप एंटी पीपिंग का यूज़ कर सकते हैं। एंटी पीपिंग में आपकी जो भी नोटिफिकेशन होगी वो लॉक हो जाएगी, बाद में उसे अपने फ़ोन में आप चेक कर सकते हैं जब वो पर्सन हट जाए जो भी आपके फ़ोन में था। सेकेंड ऑप्शन इसमें आपको मिलता है एयर गेस्चर का। एयर गेस्चर में क्या होता है, आप अपनी कोई भी एप्लीकेशन को बिना अपने फ़ोन को टच किए ऑपरेट कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन आप इसमें 2-3 एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसके अलावा आप कॉल, कोई भी कॉल अगर आपकी आ रही है तो आप फ़ोन को बिना टच किए उसको कॉल रिसीव कर सकते हैं। तो गाइज, ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।